दो क्लास में आपका वेलकम। आज हम सेमी पटियाला सलवार कटिंग के बारे में बताएंगे। सबसे पहले कपड़े को खोल के उसकी लंबाई को नापना 38 इंच। पहले एक साइड से बेल्ट निकालें। बेल्ट की लंबाई 8 इंच, बेल्ट की लंबाई 8 इंच, चौड़ाई जितना कपड़ा उतनी चौड़ाई। आपको ज्यादा लूज चाहिए तो इसमें ज्वाइंट कर सकते हैं। बेल्ट की कटिंग कपड़े को फोल्ड करते हैं। बेल्ट 8 इंच 34 इंच कपड़ा है, इतनी लंबाई, उसमें 2 इंच पहुंचेगी फोल्डिंग करने का। 32 लंबाई, 39 इंच तैयार हो। इंच बेल्ट आसन के लिए 7 इंच आसन के लिए। दो इंच की गहराई सात इंच आसन, 2 इंच गहराई। इधर पोचे की लंबाई 8 इंच, आपको लूज चाहिए तो 9 इंच भी कर सकते हैं। 8 इंच कटिंग, सिलाई में 7 इंच। यहाँ से यहाँ तक
ऐसे मिला देगा। अब इसको कट करें। आपको सलवार की लंबाई ज़्यादा चाहिए तो बेल्ट इसकी भी कर सकते हो। इसको ऐसे ज्वाइंट करके आप इसमें बेल्ट बना सकते हो। अब इसको अलग कर सलवार की कटिंग तैयार। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें। यादव क्लास में आपका वेलकम। आज हम पिछले वीडियो में आपको इसकी कटिंग के बारे में बताया, आज हम इसको सिलाई करने के बारे में बताते। आपको बताया कि आपकी हाइट लंबी है तो आप बेल्ट साइड से निकाल सकते हैं, साइड का कपड़ा ऐसे ज्वाइंट करके। और बेल्ट बना सकते हैं। और आपकी हाइट कम है तो आप आगे से बेल्ट निकाल सकते हैं। आइए अब इसे सिलाई करने के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम बेल्ट सिलाई करते हैं। बेल्ट सिलाई करने के लिए पहले हमें ये बीच की सिलाई लगानी है। कपड़े को उल्टा करो, आधा इंच सिलाई बीच में नहीं लगानी। बेल्ट को दोनों साइड ऐसे सिलाई कर। दूसरी साइड ऐसे हमने सिलाई करी। आधा इंच हमें सिलाई नहीं की, उसमें नाड़ी डालने के लिए
अब इसको हम 1 इंच फोल्ड करते हैं ऊपर से। फोल्ड करने के लिए ऐसे 1 इंच फोल्ड करना और आधा से आधा अंदर फोल्ड करना। आप 1 इंच पर ऐसे निशान भी लगा सकते हैं और अपने हिसाब से 1 इंच मोड़ भी सकते हैं। ऊपर की सिलाई खत्म। अभी बेल्ट को बीच की सिलाई से ऐसे बराबर करके देखते हैं। दोनों साइड बराबर है, नीचे इधर कट लगाना। पीछे भी कट लगाने का। अब इसमें प्लेट डालते हैं। प्लेट डालने के लिए पहले हमें सलवार की सिलाई करना। दोनों साइड सिलाई करते हैं। ये आसन 7 इंच लिया, उसकी सिलाई हम पहले कर सकते हैं। अभी बेल्ट को उल्टा करना। बेल्ट को अंदर रखना, सिलवार को बाहर। अब ये बीच की सिलाई है ना, इससे आधा इंच इस तरफ बेल्ट का एक कट लगा है ना, यहाँ से मशीन रखना। पीछे की सिलाई है, पीछे की सिलाई में 2 प्लेट डालनी।
बीच का निशान में एक प्लेट उस तरफ और एक प्लेट इस तरफ। ये सिलाई पीछे की है। ये कट हमें बीच में लगाए, यहाँ से हम प्लेट शुरू करेंगे आगे की प्लेट। आपका कपड़ा ज़्यादा है तो इस प्लेट से 4 इंच आगे सिलाई करेंगे, प्लेट डालना शुरू करेंगे। कपड़ा कम है तो ये कट से साथ में शुरू करेंगे। कपड़े को हम पहले देख लेते हैं, बीच की सिलाई है उससे दुगना कपड़ा होना चाहिए, ये दुगने से ज़्यादा है, इसमें प्लेट ज़्यादा आएंगी। ऐसे आप बराबर बराबर प्लेट डालना। ये बीच का निशान इस सिलाई के बराबर होना चाहिए। अभी इस साइड मुंह करके ये प्लेट का इस साइड मुंह, इस प्लेट का इस साइड मुंह, तो कपड़े को ऐसे पलटी करेंगे। अब प्लेट का इस तरफ मुंह, प्लेट खत्म। अब प्लेट को दबाने के लिए हम सीधे साइड से ऊपर से सिलाई लगाते हैं। सलवार को सीधा रखना, प्लेट का मुंह ऊपर की तरफ। ऐसे कपड़े को निकाल के ऐसे बराबर करके हमें ऊपर से सिलाई लगाई। अब सलवार को हम सीधे रखते हैं, सीधे करते हैं।
इसका पोंचा बनाते हैं। पोंचे का कपड़ा हमें 2 इंच पहले ही ज्यादा लिया। कपड़ा कम हो तो आप पोंचे को ज्वाइंट भी दूसरा कपड़ा ज्वाइंट कर सकते हैं, पर इसमें हमने 2 इंच ज्यादा लिया तो इसी में हम फोल्ड करें 2 इंच के लिए। से 2 इंच इसको हम कट लगाते हैं इधर। ऐसे दूसरी बाजू इसको भी हम ऐसे ही कट करेंगे। कट से पता चलता है कि यहाँ तक हमें फोल्ड करना है। अब इसके लिए हम बुकरम कट करते हैं। इसमें कपड़ा ज्वाइंट करना है तो बुकरम 2 इंच लेंगे। अभी इसी में फोल्ड करना है तो हम बुकरम 1.5 इंच लेंगे। 1.5 इंच चौड़ा और लंबाई इसके बराबर 16 इंच लंबा और 2 इंच 1.5 इंच चौड़ा। डेढ़ इंच चौड़ा 16 इंच लंबा ये दोनों पोंचे की बुकरम है। इसको हम बीच से कट करते हैं दोनों के अलग अलग। इसमें लगाना शुरू करते हैं। कपड़े के उल्टी साइड बुकरम रखना, कपड़े का ऊपर का भाग सिलाई कर। दूसरा पैर बुकरम उल्टी साइड कपड़ा ऐसे। आधा इंच कपड़ा हम पहले ही मोड़ लेते हैं। अभी हमने 2 इंच पर कट किया, यहाँ से हम ऐसे फोल्ड करते हैं।
ये फोल्ड करने से यहाँ से सिलाई शुरू करते हैं। नीचे का कपड़ा निकाल के दूसरी बाजू इसको भी ऐसे फोल्ड करना, ये सिलाई लगाना। क्रम सिलाई के नीचे होनी चाहिए, ऐसे निकालती हुई आप सिलाई को आगे की तरफ लगा। ऐसे कपड़े को निकालना, कपड़ा नीचे फोल्डिंग में हो। अब इसको सीधा रखना और इसमें डिजाइन डालना। डिजाइन के लिए दूसरी सिलाई लगाना। डिजाइन डालती ऐसे ऐसे कपड़े को घुमाना, मशीन चलती रहे। ऊपर की सिलाई लगा, इससे भी आधा इंच नीचे सिलाई लगाना, फिर दूसरी डिजाइन डाल। ऐसे इसको घुमाते रहना। दोनों सिलाई के बीच में मशीन होनी चाहिए।
मिलेगी इसमें आपकी पसंद के कुछ भी डिजाइन डाल सकते हैं। तैयार है पूंछा, अभी हम ऐसे ही दूसरा पूंछा तैयार करेंगे। ऐसे पहले सिलाई लगाई, अब इसके साथ में दूसरी सिलाई। इसमें डिजाइन के लिए ऐसे ही कपड़े को घुमाना, ऐसे ऊपर की सिलाई लगाएंगे। बीच में डिजाइन डालना, बीच में आप कैसे भी डिजाइन डाल सकते हैं। ऐसे मशीन को थोड़ा इस तरफ घुमाना, दूसरा पक्ष हमारा तैयार। अब हम बीच की सिलाई लगाएंगे। ये दोनों पूंछे तैयार। अब पूंछे की चौड़ाई जितनी रखनी है उतनी आठ इंच पसंद है तो आठ इंच नहीं सात इंच हम निशान लगाएंगे। दोनों के ऐसे पूंछे के इधर से सिलाई शुरू करेंगे। ऐसे पीछे की सिलाई आधा लाइन अंदर करेंगे। पीछे का निशान इसके दोनों के बराबर होना चाहिए। इस कपड़ा थोड़ा ज्यादा है, इसको कट करते दोनों सिलाई बराबर।
से आधा इंच, पोंछे की तरफ से डेढ़ इंच लेंगे। ये निशान हमारा इधर है, ऐसे तिरछी मशीन लेंगे। सिलाई को डबल करें, डबल सिलाई कर। ये हमारी सेमी पटियाला सलवार तैयार। इसको सीधा करते हैं, ये हमारी सलवार तैयार। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन पर क्लिक करें।